Hey guys, welcome back to the Hindu News Analysis. My name is Naveen Yadav और आज है 29th of October. चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल. देखिए अभी हम दो वीडियो की जगह एक ही वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर एडिटोरियल भी ऐड हो गया और न्यूज़पेपर एनालिसिस भी, यानी कि पूरा न्यूज़पेपर आपको अभी एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, तो दो वीडियो को यानी कि देखने की जरूरत नहीं है. अभी टाइम वेस्ट ज़्यादा होता था, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि एक ही वीडियो में कीजिए, तो ये इसलिए मैंने मर्ज कर दिया दोनों को. देखिए आज का कोट है, टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस. देखिए ये बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत बार ऐसी चीज़ होती है अपने, देखिए दो चीज़ें आप ये बहुत यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस. कैसे, देखिए बहुत बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं जिसको हम इग्नोर करना पड़ता है. अगर आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप इसमें ही फंस के रह जाएंगे. कोई भी इवेंट हुआ, सपोज कीजिए आपके किसी से बहस हो गई, छोटा सा आपको इवेंट बता रहा हूँ, किसी से आपकी बहस हो गई तो आपकी बहस होने के कारण आपका मूड पूरे दिन खराब हो सकता है. और अगर आपके अंदर इग्नोरेंस की पावर नहीं है और आप उसको इग्नोर नहीं करते टाइम बींग, अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आपका पूरा दिन वो पढ़ाई का जो है वो वेस्ट हो जाएगा. आप पूरे दिन सोचते रहेंगे इससे कैसे बदला लूँ या इसने मुझे ऐसा क्यों कहा. तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए. देखिए आज आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या जिंदगी में याद है, किसने कितनी बार आपको क्या कहा था, क्या चीज़ें वो आज को आपके ऊपर इंपैक्ट कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन आपने जो पढ़ा है, जो अपना टाइम यूटिलाइज किया, वो आज भी आज आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है. तो कोई भी चीज़ कोई कहता है तो उसे इग्नोर कीजिए, उसका इंपैक्ट आपके मन में नहीं आना चाहिए. दूसरा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए. कॉन्फिडेंस जो भी आप कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं इसमें जीत के ही निकलूंगा, चाहे मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे या कम लगे, जैसे भी लगे मुझे जीत के ही निकलना है. और लोग जो भी लोग कहते हैं, आपके रिलेटिव या कुछ भी कहते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए मुझे आगे बढ़ना है. ठीक है, तो इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ है. ये जो सीख लेते हैं समझ लीजिए कि 99% उसका सक्सेस होने के चांसेज है. तो इग्नोरेंस का टाइम होता है, इग्नोर करना सीखिए चीज़ों को. और ऐसे दुनिया बोलती ही रहती है, ठीक है. इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो आप सबको कैसे खुश कर सकते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं. तो आप किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, आप इग्नोर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए. ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए आज रिवर के बारे में पढ़ते हैं, आज महानदी रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ये देखिए महानदी रिवर, ये है, ये दिखाई दे रही है, ये महानदी रिवर है. और ये बोलते हैं महानदी इज ऑल्सो नोन फॉर हीराकुंड डैम, इसके ऊपर हीराकुंड डैम है, याद रखिए हीराकुंड डैम किस पे है, महानदी रिवर पे. ये बोलते हैं रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ स्टेट से और फिर उड़ीसा के अंदर आती है, ये महानदी रिवर दो स्टेट से जाती है यानी कि. इसके बाद कहते हैं लाइक मैनी अदर सीजनल इंडियन रिवर द महानदी टू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी माउंटेन स्ट्रीम्स एंड दैट दस इट इज प्रिसाइज सोर्स इज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट, यानी कि कहाँ से इसका सोर्स पॉइंट कहाँ है यहाँ से पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसपास जो इसके जो रेंजेज हैं या छोटे मोटे माउंटेन हैं, माउंटेन स्ट्रीम्स निकलती हैं, तो इससे पता नहीं होता एग्जैक्ट इसकी यहाँ कहाँ से ओरिजिन कहाँ से, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है. तो इसके अलावा कहते हैं वैसे सोर्स इसका जो मान के चलते हैं पूरा दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ है देखिए मान लीजिए, तो यहाँ से दंडकारण्य जो है एक रेंज है, वहाँ से इसका माना जाता है कि इसका सोर्स है. तो ये याद रखिए सोर्स इंपॉर्टेंट है. कल भी हम यूपीपीसीएस के आंसर की देख रहे थे तो वहाँ पे ताप्ती का सोर्स पूछा था, ठीक है, या तापी रिवर जो है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे. तो इसलिए सोर्स ज़्यादा जरूरी है, किसकी स्टेट में जाती है और कहाँ पर जाके गिरती है, ये जैसे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है, ये जरूरी है. इसके अलावा कहती है देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, गंगा यमुना नर्मदा हो गया, ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी सतलुज, इन सब की ट्रिब्यूटरीज भी थोड़ी जाननी जरूरी है. इसके अलावा कहते हैं देखिए इट इज जॉइंड बाय जोंक एंड हसदो, हसदो रिवर और जोंक रिवर जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उड़ीसा के अंदर आफ्टर कवरिंग एन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये जो दो ट्रिब्यूटरीज इसमें एंटर होती है. और आप बताइए कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से ट्रिब्यूटरीज है महानदी की जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें जानना जरूरी है. इसके अलावा देखिए चार क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर बता देता हूँ. पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज, आंसर है अंग्रिया. सितवे पोर्ट कौन सी सिटी के अंदर है, कौन सी कंट्री के अंदर है, म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट, ठीक है, याद रखिए इस चीज को. इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको सितवे, देखिए यहाँ पे नहीं होगा शायद, यहाँ पे करीबन यहाँ पे आ पाएंगे म्यांमार, यहाँ पे, यहाँ पे आपको सितवे पोर्ट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे सितवे पोर्ट है, डायरेक्ट इसका लिंक है. तो अभी सितवे पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे है. इसके अलावा क्वेश्चन थर्ड था देखिए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है 2018 की, तो आंसर है मुंबई. क्वेश्चन नंबर फोर्थ था देखिए लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो सी क्रॉसिंग ब्रिज है कहाँ पे बनाने ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है, तो ये आंसर है इसका चाइना.
आज के छह क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज चूजन फॉर 2018 सियोल पीस प्राइज, किसको चुना गया है? चार ऑप्शन है, अब्दुल कलाम, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी या सोनम वांगचुक, आंसर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज क्राउंड द मिस डीफ एशिया 2018, देखिए इंडिया से जीती है और हरियाणा से है मिस डीफ एशिया 2018, तो आपको आंसर बताना है देशना जैन है, श्री सैनी है, या अनुकृति व्यास है, या निष्ठा डुडेजा, ठीक है? चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर देना है आपको कि मिस डीफ एशिया किसको चुना गया है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज वोन द 2018 यूएन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2018 का यूएन अवार्ड मिला है किसके अंदर? फॉर एक्सीलेंस, यूएन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करने में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसमें? इन्वेस्टमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसको मिला है ये बताना है, ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्ट इंडिया, इसरो है। अब देखिए ये कल यूपीपीसीएस में आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है डायरेक्ट वो पूछा है। देखिए रोज चीजें हम जो डिस्कस करते हैं वही पेपर में आती है, लेकिन हम कितना उसको समझ के सोच पाते हैं, जी चीजें आएंगी तो मैं ऐसे बताता रहूंगा आपको, ठीक है? इसके अलावा ये बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये ध्रुजबा थर्ड, ठीक है? ध्रुजबा थर्ड हैज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है? ये किसके बीच में स्टार्ट हुई है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, रशिया पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट इजराइल, और इंडिया और बांग्लादेश, तो ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, कौन सी पहली इंजन लेस ट्रेन है इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रेन 25, ट्रेन 47, ट्रेन 51, ट्रेन 18, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वो विल हेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डील विद एंड प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए अभी आज आज भी पढ़ेंगे अंदर हम विशाखा गाइडलाइन के बारे में, ठीक है? उसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है, तो ये किसके लिए? ये देखिए अभी आपको पता है कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात हो रही है, स्ट्रेंथन करने की बात है कि कैसे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे उसको कैसे डील किया जाए, और इसके अगेंस्ट में देखिए एक्ट भी आ चुका है 2013 में, लेकिन उसके बाद भी अभी देख रहे हैं आप, मी टू मूवमेंट था, तो उसके बाद मेनका गांधी जी ने बोला कि हम एक जो है लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जो जो इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन की गई है, तो ये बताना है इसका हेड कौन है, जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है। थोड़ा सा आप ट्रिक से लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको, मेनका गांधी है, निर्मला सीतारमन, या राजनाथ सिंह, या नितिन गडकरी, ठीक है? चलिए इसके अलावा देखिए आज की न्यूज पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूज है आंध्र प्रदेश जो है को रैंक वन मिली है, किसके अंदर? ग्रोथ रेट के अंदर। देखिए अगर ग्रोथ रेट की बात करें लास्ट 4 साल की, तो आंध्र प्रदेश जो है पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन पे रहा है, तो इसकी ग्रोथ रही है करीबन 10.5, ठीक है? जो ग्रोथ ग्रोथ रही है जीडीपी ग्रोथ वो रही है 10%, 10.5, और ये इंडिया की सबसे ज्यादा आंध्रा की। इसके अलावा देखिए बात कहते हैं कि आंध्रा ने जो महाराष्ट्र है, गुजरात रहा है, गुजरात है सॉरी, इनको पीछे छोड़ दिया है, और इसकी फोकस्ड अप्रोच जो है और सेटिंग हाई टारगेट्स, ठीक है? अपने लिए जो फोकस्ड अप्रोच स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने, देखिए आंध्र प्रदेश बाइफर्केट हुआ, तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद भी इतनी अचीव करना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज में लिख सकते हैं कि स्टेट जो बाइफर्केट किया जाता है तो उसका बेनिफिट भी होता है, बहुत केसेस में नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ जैसे में, लेकिन जो ये स्टेट आंध्रा स्टेट जो अलग हुआ है, तेलंगाना अलग बना, लेकिन आंध्रा ने जो है अपनी जो रेट है वो बहुत हाई अचीव किया है। इसके अलावा देखिए कहते हैं पूरे इंडिया की अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो एवरेज 7.3 है लास्ट 4 साल में, लेकिन आंध्रा जो है पहला ऐसा स्टेट रहा जिसने डबल डिजिट की जो है ग्रोथ निकाली है, 10.05, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। ये कहते हैं तेलंगाना जो है सेकंड प्लेस पे चला गया अभी, ठीक है? और इसके अलावा देखिए ग्रोथ ऑफ आंध्रा, कहते हैं 2014-15 में 9.2 थी जब बाइफरकेट हुआ, तो अभी लेकिन और ज्यादा ग्रोथ हो गई है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी 40,000 बढ़ गई है, जब बाइफरकेट हुआ था तो उस समय क्या था, बहुत कम थी, 93,000 के करीब जो है इसकी पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा इनकम यानी कि एक बंदा पूरे साल में कितना पैसा कमाता है, तो जितनी हमारी पूरी जीडीपी होती है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं जितने लोग हैं, ठीक है, टोटल जो जीडीपी होती है जितने लोग हैं, तो उससे पर कैपिटा इनकम निकल जाती है, हर इंसान यानी कि साल में कितना रुपए कमाता है। तो अभी देखिए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की करीबन अभी पर कैपिटा इनकम है 1.13 लाख, यानी कि एक इंसान, हर इंसान हर साल में 1 लाख रुपए कमाता है वो, ठीक है? तो ये पर कैपिटा इनकम है। देखिए पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, इनकी बहुत ज्यादा है, करीबन 1.81 लाख तक इनका जो है पर कैपिटा इनकम है, यानी कि बोल सकते हैं ये जो स्टेट्स है ये काफी यानी कि पर कैपिटा इनकम में इनकी काफी ज्यादा
पकड़ है एक तरह से। इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल है, ये चित्तूर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, छोटा सा आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए एक बीमारी है एंथ्रेक्स। तो ये बीमारी कैटल के अंदर लग गई है और इससे काफ़ी कैटल्स की डेथ हो गई है। तो इसके ऊपर जो है पूरा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहाँ के, वो पूरा इसके वैक्सीनेशन करा रहे हैं आसपास के एरिया में 10 किलोमीटर रेडियस में। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, देखिए ये बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है वार फुटिंग उस पर, उसके मेडिकल कैंप लगा रहे जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जाने कि जो ये बीमारी है, ठीक है, एंथ्रेक्स, ये किससे होती है। ये देखिए एक बैक्टीरिया है बेसिलियम एंथ्रिस, इससे होती है। और ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स दैट आर डोमिनेंट, नॉट एक्टिव एंड कैन लिव इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर रहता है लाइक सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। जो कैसे जो आपके कहीं भी डोरमेंट स्पोर्स होते हैं ना, जिस पे कोई काम नहीं होता, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है वो रह जाता है। और ये कहते हैं इवन डिकेड्स तक भी ये वहीं पे रहते हैं। जैसे कोई सॉइल है जिसका बार बार यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जाके ये रहने लग जाएगा ये जो बैक्टीरिया है, कि क्या नाम है, बेसिलियस एंथ्रिक्स। इसके बाद ये कहते हैं देखिए, व्हेन द स्पोर्स गेट इन द बॉडी ऑफ एनिमल, जब ये स्पोर्स जो होते हैं ये जो किसके अंदर जाते हैं, ये एनिमल की बॉडी के अंदर या पर्सन के अंदर जाते हैं, तो ये बोलते हैं प्लेस रिच विद वाटर शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दे कैन बी एक्टिवेटेड एंड टर्न इनटू एक्टिव ग्रोथ सेल। अब ये क्या करते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एक तरह से डोरमेंट होते हैं, लेकिन जब ये इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं या कैटल की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और एक्टिवेट होने के कारण इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण कहते हैं, व्हेन दे बिकम एक्टिव द बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाता है, टॉक्सिक पॉइजन भी बन जाता है और इवन इलनेस का कारण डेथ भी हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किससे होती है, ह्यूमन में भी हो जाती है और इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर आ सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए, एक महिला मॉल स्टार्ट किया गया है केरला के अंदर, इसका नाम है कुडुमश्री महिला मॉल और खोजीकोड़े के अंदर स्टार्ट किया गया है। ये कि पहली बार ऐसा है कि पूरा जो मॉल है वो डेडिकेटेड है पूरा विमेन के लिए, ऑल विमेन क्रू होगी, सभी विमेन होगी इसके अंदर, एंटरप्रेन्योर जो भी होंगी या जिसकी भी दुकान होंगी। और अब इसको लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट मंथ नवंबर में, ठीक है, और करीबन कह रहे हैं 75 वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी इस ग्रुप में। सारा वही जो मॉल के अंदर काम होते हैं वही सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये पूरा एंटायर विमेन रिलेटेड है। और कुटुम्बश्री के बारे में तो आपने सुना होगा, कितना वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कुटुम्बश्री, ठीक है, तो याद रखिए ये भी एग्जाम्पल में डाला जा सकता है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, और इसके अभी दिवाली आने वाला है तो शायद इससे और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये कह रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा क्रॉस करके, आप देखिए कल अब ये हमने पढ़ा था सफ़र के बारे में, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदरिंग फोरकास्ट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया कि इसने लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर UPPCS के अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए कि जो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट करके चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए ये कह रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप रोज न्यूज़पेपर में देखेंगे आप हिंदू के अंदर, तो भी आपको दिखेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक चार्ट सा दिखता है, जिसमें 0 से 50 की रेंज को गुड माना जाता है, 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री और 100 से 200 के बीच में मॉडरेट और आखिरी में 400 जो 500 है वो सीवियर है। लेकिन ये अभी जो रेंज है दिल्ली के अंदर वो है 300 से 400, और 300 से 400 के बीच में कितना है, वेरी पुअर, यानी कि इस समय पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे काफ़ी बीमारी हो सकती है। और देखिए इसमें कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, एक तो PM 2.5 रिकॉर्ड किया जाता है जो 236 है, बहुत आई है, PM 10 जिसकी लेवल तो 394 यानी कि 400 को क्रॉस करने वाला है, तो सीवियर कैटेगरी में पहुंचने वाला है। और इसको रिकॉर्ड कौन करता है, देखिए सेंट्रल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCW। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि और भी कुछ किस कारणों से बढ़ रहा है, एक तो कंस्ट्रक्शन डस्ट, कंस्ट्रक्शन होती है जैसे मुंबई में आप देखा हो, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बाहर वो जाली सी लगाई जाती है ग्रीन कलर की, ताकि जो डस्ट है वो बाहर ना निकले, लेकिन दिल्ली के अंदर इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं देखे जाते। इसके अलावा व्हीकल का जो पॉल्यूशन है और रीजनल जो फैक्टर्स है, जैसे पॉल्यूशन आ रहा है स्टबल बर्निंग से, पंजाब हरियाणा काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीज़, इस बार भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कह रहे कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, जैसे कि कोल जो इंडस्ट्री है आसपास उसको बंद करने की, बायोमास फैक्ट्रीज है उनको बंद करने की, और इंस्पेक्शन को बहुत तेज करने के लिए भी दिया गया है, ठीक है, और पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको कंट्रोल करने की, उनको रोकने की, जो पोल्यूटिंग व्हीकल है उनको जो है रोका जाए। इसके अलावा ये बता रहे कि जो सफ़र है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सफ़र जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी ये लोगों को ये बोला है कि जिसको हार्ट एंड लंग डिजीज़ है
और जो ओल्डर है या अडल्ट है या बच्चे हैं तो उनको जो है प्रोलॉन्ग्ड और हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो जो ये स्मोग है और जो ये जो पॉल्यूशन है वो उनके अंदर यानी कि फेफड़ों के अंदर जाएगा और प्रॉब्लम हो सकती है। और विंडोज़ को क्लोज रखे, मास्क वगैरह पहन के रखें। अभी देखिए ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें आएंगी कल को, आपको एथिक्स का पेपर आएगा, ठीक है। एथिक्स के पेपर में आएगा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग जैसे ये चीज़ मान नहीं रहे, तो आप क्या 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 रहेंगे, तो आप उसमें रिकमेंडेशन देंगे कि इस तरह की रिकमेंडेशन दी जा सकती है और लोगों को अवेयर किया जा सकता है। इसके अलावा ये विशाखा गाइडलाइन से है, मैं आपको बता रहा था विशाखा गाइडलाइन को एक्सटेंड करने की बात हुई है। अभी देखिए एक PIL डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये बोला है कि आजकल ये बाबा जो बाबा लोग होते हैं और मदरसा के अंदर है, चर्चिस के अंदर जो भी प्रीस्ट वगैरह होते हैं, इनके काफ़ी यानी कि अत्याचार, सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी के ऊपर ये बोला है कि विशाखा गाइडलाइन को एक्सटेंड कीजिए, कहाँ पे, आश्रम के अंदर, मदरसा के अंदर या कैथोलिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर। अब विशाखा गाइडलाइन क्या है, देखिए 1997 में कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बोला था कि जो सभी वर्क प्लेस है वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, ऐसी कुछ गाइडलाइन दी थी। और उसी के ऊपर फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये जो एक्ट बनाया था विशाखा गाइडलाइन को लेते हुए। विशाखा गाइडलाइन कब सुप्रीम कोर्ट ने किस ईयर में पास की थी, 1997। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो उसी के ऊपर देखिए ये PIL डाली गई है कि इस तरह के अत्याचार हमें देखने को मिल रहे हैं, सेक्सुअल बहुत वीमेंस भी वहाँ काम करती हैं, रिलीजियस जो भी कोई भी जो भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में इंडल्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ देखा हमने केरला के अंदर, और उसके अलावा दत्ती महाराज या बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, ये हमने केसेस देखे हैं किस तरह लोगों यानी कि औरतों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए PIL डाली गई है कि इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूट में भी एक्सटेंड कीजिए विशाखा गाइडलाइन को। इसके अलावा देखिए ये छोटा सा आर्टिकल, अभी मालदीव में क्राइसिस चल रहे थे तो इसी के ऊपर है। इसके अंदर और सब चीज़ें तो बेसिक ही बताई गई, जो मालदीव के फोर प्रेसिडेंट है अब्दुल गयूम, इन्होंने बोला है कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, इंडिया ने यानी कि एक तरह से डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने में बहुत अच्छा रोल निभाया है। ये कह रहे हैं इससे पहले जो अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे प्रेसिडेंट थे मिस्टर यमीन, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि चाइना से काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रही थी, इस वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहे थे। लेकिन अभी देखिए ये गयूम है, इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, अभी इनको ये निकाल दिए गए हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है, देखिए ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, जो चल रहा है वो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जरूरी है कि नेपाल जो है मालदीव जो है इंडिया को, जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की तरफ चलता है, ठीक है, यानी कि उनको लगता है इंडिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के एक तो मालदीव के नज़दीक है और इंडिया बहुत यानी कि एक बड़ी पावर है, और मालदीव के लिए काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मालदीव जब क्राइसिस आए तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी है। तो उसी के ऊपर इन्होंने बोला है कि मालदीव गवर्नमेंट काफ़ी एक तरह से थैंकफुल है। ये टैक्स से रिगार्डिंग है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल कितने किए गए हैं और काफ़ी इंक्रीमेंट आया है, और इस तरह का डेटा देखिए पूछा जा सकता है प्रीलिम में। प्रीलिम में क्या है, चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट आएंगी। पहली स्टेटमेंट आएंगी कि 2014 से 2018 तक जो टैक्स फाइलिंग है वो बढ़ी है, रेगुलरली इंक्रीज हुई है। तो ये यस, ये स्टेटमेंट ठीक होगी, क्योंकि पहले देखिए करीबन 3.8 करोड़ के आसपास था, अभी ये बढ़ के करीबन पहुंच गई 7 करोड़ के पास। क्या टैक्स जिन लोगों ने बढ़ाया, तो ये इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स GDP रेशियो, तो ये बढ़ती घटती रही है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की कितनी रेशियो है GDP के अंदर वो बढ़ती घटती रही है, और अभी ये करीबन पहुंच गई 5.4 करोड़ के आसपास, और 5.4% के आसपास। और इसकी बात करें डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो है, ये भी देखिए पहले बढ़ी, ये देखिए ग्रीन, ये बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, तो ये भी घटती बढ़ती रहती है। तो अभी ये ज़्यादा है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स की रेशियो ज़्यादा है, हमने पढ़ा था करीबन 52% डायरेक्ट टैक्स है और 48% इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीज़ याद रखिए कि इस समय डायरेक्ट टैक्स जो है ज़्यादा है, और हमने ये भी एनालिसिस पढ़ा था कि ये भी अभी कम है, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स GDP रेशियो भी देखिए बढ़ी है घटी है, तो ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक 3.25% के आसपास है। पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें भी पहले देखिए बढ़ा बढ़ा फिर गिरा, और ये सिर्फ 2000 ये 2001 से डेटा है, और अभी क्या है, अभी ये इंक्रीज हुआ है। और अब देखिए सब में इंक्रीज देखने को मिला है, एक्सेप्ट किसमें, डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट टैक्स
टू जीडीपी रेशियो है, इसमें देखिए डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है एक साल के अंदर, इसके अंदर भी एक दो साल के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है पर्सनल जो इनकम टैक्स है। इसके अलावा देखिए डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 38% जो है ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स आता है, क्योंकि आपको तो महाराष्ट्र जो है फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई जो है इंडिया की, ठीक है। इसके अलावा देखिए आज एडिटोरियल पढ़ते हैं श्रीलंका से रिगार्डिंग एडिटोरियल। श्रीलंका में कुछ क्राइसिस चल गए हैं, अगर आपको पता हो, नहीं होता तो मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरीसेना, अब इन्होंने प्रेसिडेंट ने क्या किया, वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, ठीक है, उनको हटा के इन्होंने किससे कोलैबोरेशन कर लिया है, राजपक्सा से, जो पहले प्रेसिडेंट थे। आपको पता है कि पूरा एलटीटी का वार हुआ तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था, महिला राजपक्सा। तो इन्होंने क्या हुआ है, देखिए इनकी कोएलिशन हुआ था एक तरह से प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे के साथ, ठीक है, किसका, सिरीसेना का, प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का, एक तरह से कोएलिशन हुआ था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को ना निकाल के रिप्लेस कर दिया इन्होंने किससे, जो राजपक्षा पहले प्रेसिडेंट थे, इससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और इस वजह से जो है पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस निकल के आ गया है। ये बोल रहे हैं और सिस्टम और कैसे कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन। अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट को लगा कि इतना सिस्टम खराब हो रहा है तो उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको भी सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होनी थी उसको भी 16 नवंबर तक सस्पेंड कर दिया, करीबन 2 हफ्तों तक। इसके अलावा ये कहते हैं कि और क्या हुआ, मिस्टर सिरीसेना फास्ट डेटोरेटिंग रिलेशनशिप, देखिए ये माना जा रहा है कि सिरीसेना और विक्रम सिंघे इनके रिलेशन जो है अच्छे नहीं थे, और इस वजह से ये जो सीक्रेट था ये बाहर आ गया पूरे मीडिया के अंदर और बाहर सबको पता चल गया। और इसके बाहर आने के बाद जो है, और बाहर आने का कारण भी यही रहा कि सिरीसेना ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि पूरा जो भी इशू था ये बाहर आया, और बाहर आने से लोगों को पता चला, और लोगों को पता चलने से उसके बाद जो है विक्रम सिंघे ने, तो सिरीसेना ने प्रेजिडेंट जो है एकदम ही पूरा स्टेप जो है वो वापिस ले लिया, जिनके कोएलिशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर के साथ विक्रम सिंघे के साथ, उसको यानी कि इनको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से रिप्लेस कर दिया, किसको जो है अपॉइंट कर दिया, महिला राजपक्षा को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। अब ये बोल रहे हैं देखिए राजपक्षा तो ऐसे सब काम करते रहते हैं, इनकी पूरी कोशिश करते रहते हैं किस तरह वो पावर में दोबारा आ जाए, और ये कह रहे हैं कि पूरा जो ड्रामा था पॉलिटिकल ड्रामा ये पूरा बाहर निकल के आ गया है, अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जैसे थोड़ा लगा था कि ठीक होगा उसके बाद ये प्रेसिडेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। ये बोल रहे हैं कि देखिए ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, ठीक है, इस तरह कोई चीज़ें लिख सकते हैं आप, आसपास की गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आए तो ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कह रहे हैं कि ही रिमेंस प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं कि उनको विक्रम सिंघे को प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए था, और ये बोल रहे हैं कि अभी मेजोरिटी, यानी कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा था तो अभी इसके अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था जिससे पता चल जाता, 225 मेंबर है देखिए हाउस में, तो फ्लोर टेस्ट होता तो उससे फिर भी थोड़ा क्लियर हो जाता, लेकिन फ्लोर टेस्ट से भी डरते हुए जो प्रेजिडेंट, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड यानी कि टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, अभी इसकी प्रोसीडिंग्स होनी थी और इसको एक्सटेंड करके 16 नवंबर कर दिया। इसके अलावा बोलते हैं कि मिस्टर सिरीसेना इज सीन एज एक्सपोर्ट हिज ओन इनसिक्योरिटी, उनको खुद लगने लगा कि शायद यह जो है ट्रस्ट वोट में हार सकते हैं, इसलिए इन्होंने जो है पार्लियामेंट के जो प्रिसीडिंग्स है उसकी डेट बढ़ा दी। अभी कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बहुत जरूरी है, क्रूशियल है, क्यों, क्योंकि अभी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जो इधर था उधर जाने की कोशिश करेगा, और पैसा वैसे जैसे इंडिया के अंदर होता है काफ़ी बार हॉर्स ट्रेडिंग का केस देखने को मिलता है, तो ये चीज़ हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि ये बहुत अनसर्टेनिटी है, कौन किसके प्रति लॉयल होगा नहीं होगा, ये चीज़ देखने की बात है, और ये श्रीलंका पॉलिटिक्स में कि ऐसा कहते हैं बहुत अनकॉमन है ये चीज, ठीक है, ये चीजें पहले नहीं होती है लेकिन इस समय हो रही है, तो अनअवॉइडेबल है, और इस तरह से एक पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत गर्मा गई है वहां पे। ये कह रहे हैं कि देखिए ये सिचुएशन खराब हुई है, इस समय खराब हुई है कि वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन और ख़राब है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, जो रुपी है वो उनका जो है वो भी गिरावट देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, और ऐसे केस में इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस आना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही खतरे की बात है। ये बताते हैं कि देखिए सिरीसेना ने क्या क्या अपॉइंट कर दिया राजपक्षा को, ठीक है, ये पहले अपॉइंट कर दिया, पहले वोट वोट वगैरह जो हुई है, जो फ्लोर टेस्ट है वो हुआ नहीं, और पहले इनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो ये यानी कि बिल्कुल गलत है, और ये अपनी पावर को अब्यूज़ किया इन्होंने, यानी कि बिल्कुल गलत यूज़ किया इन्होंने, और ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें नज़र आ रहा है पूरा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश की है, पार्लियामेंट प्रोसेस है उसको एक तरह से बिट्रे किया इन्होंने। ये बोलते हैं कि पूरी जो डेमोक्रेसी है उसको सीरियस यानी कि पूरे सिस्टम को खराब
खराब करके रख दिया है, इस तरह के डिसीजन दे। और ये बोल रहे हैं सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं श्रीलंका के, जिन्होंने जैसे तमिल लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी है, उन्होंने बैक किया था 2015 के इलेक्शन में जो सिरीसेना जीत के आए थे, तो इनको बैक किया था। लेकिन इन्होंने उनको भी कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में भी ये गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया और आज फिर राजपक्षा को आप लेके आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट इन्होंने वोट दिया था। ये कहते हैं कि बेस्ट फोरम, कोई भी जो इस तरह का जो डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है, तो उसको बेस्ट टेस्ट होता है कि उसको डेमोक्रेसी का जो लेजिस्लेचर के अंदर वो जो टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उससे पता चलना चाहिए कौन कहाँ पे है और कौन जीता है, ना कि इस तरह खुद ही डिसीजन लेना। ये कहते हैं कि करीबन 3 डिकेड यानी कि 30 साल तक सिविल वॉर चला था, जिससे कि इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस बहुत आ गए थे। श्रीलंका कह रहे हैं कि उसको अफोर्ड अभी कर भी नहीं पाया था और इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये कह रहे हैं कि देखिए सिरिसेना और विक्रम सिंघे, ठीक है, इनका अलायंस जो है ये बहुत प्रॉमिस लेके आया था कंट्री के अंदर कि ये डेमोक्रेसी के पाथ पे चलेंगे और कंट्री को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह का अथॉरिटेरियन रूल जो है वो ठीक नहीं है, और ये जो एक तरह से अपनी पावर को अब्यूज़ किया है और काफ़ी गलत तरीके से यूज़ किया है। ये कहते हैं कि काफ़ी डैमेज अभी हो चुका है ऑलरेडी, और अभी फेयर यही रहेगा कि एक फेयर वोट हो पार्लियामेंट के अंदर और उससे पता चले कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, उसके बाद आगे बढ़े, ना कि इस तरह के इवेंट्स में फंसे। इसके अलावा देखिए इंडिया और जापान का ये आर्टिकल आया है, और थोड़ा सा कुछ नेगेटिव इश्यूज़ बताएं। देखिए इंडिया और जापान के काफ़ी अच्छे हम रिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई हैं। ये बता देखिए, अभी हम प्राइम मिनिस्टर गए हैं जापान के अंदर, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने, जो एनुअल मीट होती है उसके लिए गए हैं, और ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया और जापान का रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। हाँ, 20 साल पहले जब हमने 1998 में करीबन न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो वहाँ पर उस समय जो जापान हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और जो दोनों कंट्रीज है एक दूसरे को स्पेशल स्ट्रेटेजी और ग्लोबल पार्टनर मानते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज भी ध्यान देने की जरूरत है, जो आज भी सोल्व नहीं हुए हैं। ये बताते हैं, अगर देखें 2011 में, 11 से इंडिया और जापान जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा जिसको बोलते हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं करीबन 7 साल हो गए हैं, फिर भी आज भी हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो $20 बिलियन को पार नहीं किया है। ये कह रहे हैं इंडियाज एक्सपोर्ट टू जापान, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी जापान की तरफ, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, वो भी पिछले 4-6 साल से कम होता दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा जा नहीं रहा ज्यादा, यानी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जापान के अंदर। ये कह रहे हैं कि देखिए 2010 में जापान और इंडिया ने डिस्कस किया था कि ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे तीसरी कंट्री में, थर्ड कंट्रीज में, ठीक है, लेकिन उसके पर अनाउंस करने के बाद भी, उसके अलावा और क्या अनाउंस किया, अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को अनाउंस किया, लेकिन ये बोले कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं निकल के आया है, ना म्यांमार में भी इवन ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे, और मेकोंग कंट्रीज में जहाँ पे दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट रहता है, वहाँ पे भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिले। इतनी यानी कि बात हुई कि हाँ ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे तीसरी थर्ड कंट्रीज में, लेकिन ये भी देखने को नहीं मिला है। ये बोलते हैं कि लार्जेस्ट गैप की बात करें तो डिफेंस कॉपरेशन में भी बहुत गैप है हमारा, और ये गैप जो है धीरे धीरे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि ये जो टाइज हैं, हमें लगता है कि टाइज अच्छी हो गई, जैसे सिक्योरिटी कॉपरेशन हुआ, एक्शन प्लान हुआ, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ, क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट हुआ, या ऑनगोइंग लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफ कॉपरेशन, इस तीन तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन ये एग्रीमेंट भी जो है प्रॉपर साइन नहीं हो पाते। और आपको पता है एक एयरक्राफ्ट भी हम जापान से खरीद रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, वो एयरक्राफ्ट भी हमें जापान नहीं दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि येट 10 ईयर्स द टू साइड हैव फेल्ड टू रियलाइज द सेल ऑफ सिंगल डिफेंस आर्टिकल, एक भी कोई डिफेंस जो ऐसी चीज नहीं है जिसको खरीदने में तो एक कंट्री यानी कि इंडिया ही खरीदता है मोस्टली तो जापान से, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सेल देखने को मिली है। और ये बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो कन्वेंशनल थ्रेट स्पेसिफिक कंटीजेंसी सिनेरियो, ये बोल रहे हैं ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस तरह का हमारा रिलेशन है उसमें कॉपरेशन जो है और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि दोनों कंट्रीज का जो है अच्छे से ट्रेड कर सके। ये बोलने कि देखिए चाइना का थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है, और उसको देखते हुए भी हमें जो है हमें अपने रिलेशन और अच्छे करने की जरूरत है। ये बोलते हैं कि बात करें हम जो पार्लियामेंट है वहाँ का, जापान का 150 साल उसको हो गए हैं, लेकिन जो आज भी उनका जो कल्चर है या आज भी जो उनका फ्रेमवर्क है वो पूरा वेस्टर्न लेड अलायंस है, ठीक है, वेस्टर्न लैंड, ये सोचते हैं कि हमारा जो लिंक है वो यूएस से अच्छा होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्री से अच्छा होना चाहिए। आज भी जो कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक की कंट्रीज हैं, इनके साथ थोड़ा कम ध्यान दे रहा है जापान। ये बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, सांग्रीला डायलॉग अभी सिंगापुर में हुआ, वहाँ पर भी इंडिया ने बोला कि देखिए इंडिया जो है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ झुकाव नहीं है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ भी ध्यान है हमारा, हमारा जो मॉडल है प्लूरल मॉडल है, इसमें हम जो हम कोऑपरेट करेंगे सिक्योरिटी के अंदर, एशिया के अंदर हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, सिर्फ डिपेंड नहीं रहेंगे हम वेस्टर्न
वेस्टर्न कंट्रीज पे। ये बोलते हैं कि जापान को भी देखिए एंटी चाइना जो कोलिशन है इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देके ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना रिलेशन और बढ़ा सकते हैं और वेस्ट की तरफ अटैचमेंट को कम करके और जो पार्टनर्स है इंडिया जैसे इस तरह के पार्टनर्स है जिनकी जिनके साथ अच्छा रिलेशन करना चाहिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए जापान को। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल है ब्रेक्सिट से रिगार्डिंग, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए ब्रेक्सिट हुआ और अभी जो है फाइनल ब्रेक्सिट होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है 29 मार्च को जो है फाइनल ब्रेक्सिट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाएगा। ब्रिटेन एग्जिट हो गया कहाँ से, यूरोपियन यूनियन, पहले यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था लेकिन रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में डिसाइड हुआ कि ब्रिटेन को एग्जिट होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए इससे इशू क्या आ रहे हैं, दो तीन इशू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अभी अलग हो जाएंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे ट्रेड कैसा होगा। पहले तो ट्रेड बहुत ईजी था क्योंकि सारी जो कंट्रीज थी वो यूरोपियन यूनियन में थी तो ट्रेड बहुत ईजी था, ईजी था यानी कि कोई टैरिफ वगैरह इतने लगाए नहीं जाते थे, बहुत सिंपल ट्रेड था। लेकिन अभी इनके साथ कैसे ट्रेड होगा ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरा यूके के लिए चिंता की क्या बात है कि जो कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गया और कंट्रीज हो गए जो बहुत इमर्ज कर गए हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन जब डील करती थी तो उसका प्रभाव पड़ता था लेकिन अभी इंडिया जैसी कंट्री जो यूके को भी पीछे छोड़ रही है जीडीपी वगैरह के अंदर, तो अब यूके को इन कंट्री से डील करना है स्पेसिफिकली तो यूके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। राइट, थर्ड चीज है देखिए वहां के कुछ इवन पार्लियामेंटेरियन है वो चाह रहे हैं कि ये जो रेफरेंडम दोबारा कराया जाए, क्योंकि रेफरेंडम दोबारा कराने का कारण ये है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि रेफरेंडम जो है ठीक नहीं हुआ, अभी रेफरेंडम दोबारा कराना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल नहीं मान रही है। तो अभी बोल रहे हैं कि यूके को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज है वो भी काफ़ी डर में है क्योंकि वहाँ पर इंडिया के बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था और कैसे इन्वेस्ट किया हुआ था कि उनको काफ़ी बेनिफिट मिलते थे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करने में, लेकिन अभी यूके के अंदर जो इंडिया की उनको भी काफी लॉस होने वाला है। तो ये सब चीजें इश्यूज हैं, अभी देखिए फाइनल क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है जो पूरा यूके का सिस्टम है, एनवायरनमेंट है बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए ये लास्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है जो ओपोजिट एडिटोरियल आया है, ये सीबीआई से रिगार्डिंग आया है और सीबीआई काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें बार बार इसमें भी बताई गई है। ये बोल रहे थे कि अभी एकदम क्या हुआ, फोर्स ट्रांसफर हुआ और जो आलोक वर्मा है डायरेक्टर उनको हटा दिया गया और अस्थाना जो स्पेशल डायरेक्टर उनको भी हटा दिया गया, दोनों को छुट्टियों पर भेज दिया गया। तो ये बोल रहे हैं कि सीबीआई के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई है तो काफ़ी इनकी चिंताजनक बात है, क्राइसिस देखने को मिला है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। ये बोल रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट में देखिए अभी पता चलेगा कि क्या क्या और आगे होगा, आज भी आज केस है, आज की केस की हियरिंग आज 29 अक्टूबर है और ये बोल रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि जो लीगल जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, जो लॉ के द्वारा दी गई है सीबीआई को वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है क्योंकि जो डायरेक्टर को एकदम ऐसे हटा देना, जबकि देखिए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो पूरी होती है हम पूरा देख चुके हैं, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन लोग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक पैनल होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसे लोकसभा के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा तीसरा कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों डिसाइड करते हैं अपॉइंट कौन होगा और अगर इनको रिप्लेस भी करना है तो ये रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ सीवीसी की रिकमेंडेशन, चीफ जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही इनको हटा दिया गया। तो ये बोल रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि कैसे ये एक्ट करेंगे, क्या ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लॉ की तरह एक्ट करेंगे और मिस्टर वर्मा को जो है रीइंस्टेट कर देंगे, सीबीआई का डायरेक्टर बना देंगे, और ये बोल रहे हैं कि ये लेकिन इस तरह का डिसीजन जो होगा ये ठीक नहीं होगा। ये बोल रहे हैं कि देखिए बात करें सेक्शन 4B जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके अंदर पूरा सीबीआई आता है, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है सीबीआई डायरेक्टर को हटा नहीं सकती, 2 साल का फिक्स टेन्योर है, अगर वो हटाती हुए कुछ चेंज करती है तो उसके लिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन तीनों की सहमति होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि 2013 में ही ये चीज़ इंक्लूड की गई है लोकपाल का, ये एक्ट जब लोकपाल के टाइम ये वो चीज़ हो रही थी तो उस टाइम ये एक्ट में चेंजेस किए गए थे और ये कह रहे हैं इससे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशन मांगी जाती थी लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया। लेकिन आज क्या है, सीवीसी और सीबीआई दोनों ही एक तरह से एंटी जो करप्शन बॉडीज़ हैं और इसको हटाने की कोशिश, करप्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है और आज दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला है। देखिए सीवीसी जो है उसने फेवर किया अस्थाना को, सीबीआई जो है उसने फेवर किया, सीबीआई में चार्जशीट दाखिल हुई, आलोक वर्मा को फेवर किया और किसके अगेंस्ट जो यानी कि
एफआईआर दर्ज की गई अस्थाना के खिलाफ। और यहाँ पे सीवीसी में क्या हुआ, जो आलोक वर्मा है डायरेक्टर सीबीआई के, उनके अगेंस्ट में जहाँ केस स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों बॉडीज एक तरह से दोनों के आपस में अगेंस्ट हो गए, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा ये बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है कि जो इंटरिम डायरेक्टर जिनको बनाया गया सीबीआई का, उनकी जो है पावर को कम कर दिया, उनको बोला कि आप जो कुछ डिसीजन लेंगे वो सिर्फ लिमिटेड डिसीजन लेंगे, जो रूटीन डिसीजन, जो असेंशियल डिसीजन है, फालतू डिसीजन आपके अंडर नहीं होंगे जब तक कि पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। ये कहते हैं सीवीसी की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, तो इसके पास कुछ ज्यादा पावर है नहीं। ये कह रहे हैं कि इसका हमेशा ये पोस्ट बॉक्स की तरह काम करते हैं, अपनी कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वहां से कुछ रिप्लाई मंगाते हैं लेकिन रिप्लाई आते नहीं है। ये कह रहे हैं अस्थाना के केस में भी देखिए, ये ऐसा कह रहे हैं कि रिप्लाई जो है सीबीआई को जो है रिपोर्ट जो देनी थी इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं दी। तो इस तरह की चीजें भी, यानी कि इनकी कोई ज्यादा वैल्यू, ये बोल रहे हैं कि सीवीसी की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सीबीआई इवन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर भी ये कहते हैं कि देखिए, अब ये भी चेक करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि जो कितनी पावर्स हैं सीवीसी के पास, कितनी पावर है, क्या वो अगर जैसे लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सीबीआई डायरेक्टर को सिर्फ समन नहीं कर सकते, यानी कि कोई रिकॉर्ड वगैरह मंगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को ही समन कर लिया, यानी कि उनको बुला लिया है। तो ये बोल रहे हैं कि ये पावर भी चेक करने की जरूरत है, क्या सीवीसी के पास इस तरह की पावर है या नहीं है। इसके अलावा देखिए, कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंक्शन जो लेते हैं, सैंक्शन टू इन्वेस्टिगेट रिक्वायर्ड, ये देखिए सैंक्शंस जो लगाई जाती है कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ परमिशंस लेनी पड़ेंगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये बोल रहे कि 2018 में अमेंडमेंट ऐसा किया गया था कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल है उसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो प्रॉपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बोल रहे कि इस तरह की चीज़ों में भी ऑफिशियल को प्रोटेक्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही देखने को मिला है। ठीक है, ये बोलते हैं बट इट इज़ हार्डली द सीवीसी जॉब टू टेल द सीबीआई दैट इट इन्वेस्टिगेशन इट विदाउट द सेंक्शन ऑफ लॉ। ये बोल रहे कोई लॉ का सेंक्शन कुछ यूज नहीं किया और सीधा ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सीबीआई के चीफ के अगेंस्ट। तो इस तरह की चीज़ों को भी एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन ये बोल रहे कि हाँ, ये चीज़ सच है कि इस केस में हम ये देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में घुस रहा है, यानी कि ये काम किसका है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर स्टेप इन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और ये फाइनल ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और सिर्फ एक्ट में ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ आपने आलोक वर्मा को रीइंस्टेट कर दिया, और भी जो जो इश्यूज हैं उनको भी एनालाइज करने की जरूरत है ताकि एक फेयरनेस और इक्विटी देखने को मिले। सिर्फ आप स्ट्रिक्ट लॉज के अंदर जो लिखा है उसको नहीं चूज कर सकते, आपको थोड़ा सा अपना भी फेयरनेस और इक्विटी के तहत जो है पूरा डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही था। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, और लंबी वीडियो होगी, 30-40 मिनट की वीडियो होंगी, क्योंकि एडिटोरियल और पूरा जो न्यूज डिस्कशन है पूरा इसके अंदर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।